उत्तराखंड में वन विभाग जंगलों की आग को लेकर बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। वहीं वन विभाग आगजनी की चुनौतियों को देखते हुए अब शरारती तत्वों से कड़ाई के साथ निपटने का फैसला कर चुका है। दरअसल उत्तराखंड में वन विभाग ने अब तक 196 केस दर्ज किए हैं। ये केस जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए। इसमें कुल 23 आग की घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें लगाने वालों का वन विभाग ने पता लगा लिया है। इन मामलों में कुल 29 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 176 केस अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि इस बार वन विभाग ने जंगलों में आग के लिए सीधे तौर पर DFO को जिम्मेदार बताया है। साथ ही जंगलों में लगने वाली आग के लिए DFO को खुद मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में आग की घटना से अब तक 2 लोग झुलस चुके हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। हालांकि अभी विभाग इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसीलिए सरकार की ओर से निर्देश दिए जा चुके हैं कि संबंधित DFO घटना स्थल पर स्वयं जाएंगे, और आज हमारे मैक्सिमम DFO जहां जहां भी सही घटनाएं हो रही हैं वो फील्ड में, और अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो DFO हो या नीचे के स्तर कर्मचारी हो, जिसको भी माना जाएगा जिसने लापरवाही से काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 196 वन अपराध जारी हम लोगों के द्वारा दर्ज किए जा चुके हैं और नामजद अपराधियों की संख्या 29 है, ज्ञात मामलों की संख्या 23 है, अज्ञात मामलों की संख्या 173 है। लेकिन 196 के खिलाफ हम लोग अपराध दर्ज कर चुके हैं। 196 केस